हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर आया हूँ आज एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आपने हरियाली तीज का शॉपिंग हॉल देख लिया होगा, इसीलिए आज मैं अब जन्माष्टमी की शॉपिंग जो मैंने अब तक जितनी कर ली है मैं उसके शॉपिंग हॉल्स अपलोड करूँ, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग हो गई है तो मैं पार्ट बाय पार्ट करूँगा। तो आप सारे पार्ट को ज़रूर वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको शॉपिंग दिखा रहा हूँ ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से की है। एक कान्हा क्राफ्ट पेज है इंस्टाग्राम पे, मैं उनसे अक्सर मंगाता रहता हूँ। मैंने पहले भी उनसे काफ़ी बार शॉपिंग की है और मैंने चैनल पे वीडियोस भी डाली हुई हैं उनसे जो मैंने जो भी शॉपिंग की हुई है। तो मैंने जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत शॉपिंग अब की थी उनके यहाँ से। एक पार्सल और है, वो शायद अभी कुछ दिन में आएगा। तो जो ये पार्सल काफ़ी दिन पहले आ गया था पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, तो इसीलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। मैंने कुछ ज़्यादा हैवी अभी मतलब इस वाले वीडियो में मैं नहीं दिखा रहा, जो मैंने उनसे मंगाया हुआ है मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस देख लेते हैं। एक मैंने ये ड्रेस मंगाई है ब्लू कलर की, ये आप देख सकते हैं ब्लू ड्रेस है और यहाँ वाइट बॉर्डर आ रहा है, इस पर काउस प्रिंट हुई हुई आपको दिख रहा होगा आई होप सो। हाँ अब दिख रहा होगा आपको ठीक से। तो ये ब्लू कलर में है, चार नंबर साइज़ की ड्रेस है क्योंकि मेरे ठाकुर जी चार नंबर के हैं तो उनको चार नंबर ड्रेस आती है। इस पर काउस प्रिंट हुई है तो लड्डू गोपाल जी के हिसाब से मुझे बहुत सुंदर लगी ड्रेस, तो इसके मुझे जितने भी कलर्स मिले मैंने वो मंगा लिए। एक मैंने इसका मंगाया रेड कलर, ये आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर एक रेड कलर, रेड भी बहुत सुंदर लगा मुझे और हाँ रेड कलर और एक ग्रीन कलर। तो मैंने इसके तीन कलर्स मंगाए। ग्रीन मैंने अभी पहनाया था बिल्कुल जब सावन का पहला श्रृंगार इस वाली ड्रेस में किया था, तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में श्रृंगार की वीडियो भी अपलोड की थी तो आपने ज़रूर देखी होगी, तो अगर नहीं देखे तो जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा। और मैंने इसमें श्रृंगार भी अपलोड किया हुआ था। इस टाइप की मैंने एक राधा कृष्ण जी की भी ड्रेस मंगाई थी, वो ऑरेंज कलर की थी, पैटर्न सेम था वो ऑरेंज कलर की थी, उसका भी मैंने श्रृंगार वीडियो अपलोड किया हुआ है शॉर्ट्स वीडियो में तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इस टाइप मैंने राधा कृष्ण जी की ड्रेस भी मंगाई थी। तो ये मैंने तीन ड्रेस ये वाली मंगाई। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगी थी पर्सनली। ये पिंक कलर की है और आप देख सकते हैं रिबन का पूरा वर्क हुआ हुआ है लेयर्स में, तो ये मुझे ड्रेस बहुत सुंदर लगी। ये भी चार नंबर साइज़ में ही है तो ये भी मैंने उनसे मंगाई थी, तो आप देख सकते हैं पिंक और वाइट में है ये भी कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको, एक मैंने ये ड्रेस मंगाई थी ये येलो और वाइट पे है। ये सारी प्लेन ड्रेसेस हैं, कॉटन में हैं ये सारी की सारी ड्रेसेस, हैवी ड्रेसेस इसमें नहीं है एक भी। ये मैंने सारी ड्रेसेस उनके डेली यूज़ के लिए समर्स के लिए मंगाई थी क्योंकि बारिश के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसलिए मैंने समर्स के लिए ये सारी प्लेन ड्रेसेस मंगाई थी। तो ये आप देख सकते हैं ये येलो वाइट और मस्टर्ड और ब्लैक कलर की ड्रेस है, मुझे बहुत सुंदर लगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हनी बी टाइप का लुक आएगा इस ड्रेस। मैंने पहनाई भी है ये वाली ड्रेस, हाँ मैंने शायद पहना थी ये वाली ड्रेस, बट मेरे को लगा एक शॉपिंग हॉल वीडियो शूट कर लेता हूँ तो इसलिए मैं ये ड्रेस एक मंगाई थी। ये ड्रेसेस हो गई। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक ये ड्रेस, ये भी कॉटन में है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये भी प्लेन है डेली पर्पज़ के हिसाब से, या फिर रात को भी पहना सकते हैं ये ड्रेस। ये ऑरेंज वाइट और ब्लू में है और येलो कलर आ रहा है, तो ये काफ़ी ब्राइट और सनी से कलर्स हैं, बिल्कुल समर के हिसाब से परफेक्ट है, समर कलर्स हैं तो इसलिए मुझे अच्छी लगी। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक ही वाली ड्रेस, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सोबर सा समर के हिसाब से लेमन येलो कलर है ये, बस पे प्रिंट हुआ हुआ है पैटर्न, फ्लावर पैटर्न है, मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत आरामदायक ड्रेस है, समर्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट ड्रेस है ये। तो आप देख सकते हैं ये येलो ड्रेस, इसमें कि मुझे दो कलर्स और मिल गए तो मैंने वो भी मंगा लिए थे। एक इसका मुझे ब्लू कलर मिल गया था, लाइट ब्लू बिल्कुल स्काई ब्लू कलर है, मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत प्रिटी था। एक इसका ये पिंक कलर भी था, देख सकते हैं आप तीनों ही कलर्स मुझे बहुत सुंदर लगे तो मैंने तीनों ही कलर्स मंगा लिए। तो ये कुछ मैंने 9 ड्रेसेस के करीब मंगाई थी, ये सारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस हो गई। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक ड्रेस मैंने ये मंगाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए, ये उनके लिए
काइंड ऑफ शॉर्ट्स और कट स्लीव्स की ये शर्ट टाइप है। ये ड्रेस मुझे बहुत क्यूट लगी। ये अभी इन्होंने पहनी नहीं है बट मैंने मंगाई थी, मैं देखूंगा किसी दिन पहनाऊंगा ज़रूर। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी कि किसी दिन कुछ हैवी सी पोशाक पहनाने का मन ना हो या कुछ घेर वाली पोशाक पहनाने का मन ना हो तो इस टाइप की ड्रेस बना सकते हैं। गर्मियों के हिसाब से मुझे एकदम परफेक्ट लगी ड्रेस। आप देख सकते हैं फ्लावर पैटर्न प्रिंट हुआ हुआ है इसमें, बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर ड्रेस है। तो ये तो हुई लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए एक मंगाया था बिस्तरा, ये देखिए इस टाइप से पैकेट में है। ये ऊपर से ना इसमें जैसे छोटे बेबीज के लिए होता है ऊपर से सर ढकने के लिए बना होता है, ये उसी टाइप से इसमें बना हुआ है। और ये इसमें क्या कहते हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल है ये। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लफी, कितना कंफर्टेबल है ये, बहुत मुझे अच्छा लगा ये। तो ये मैंने उनके लिए रात के लिए मंगाया था और ये आगे से इसमें अटैच हुआ हुआ है बिल्कुल, और अंदर से भी बहुत ज़्यादा आरामदायक, बहुत ज़्यादा नरम है और बहुत सिंपल सोबर लाइट कलर्स में फ्लावर प्रिंटेड पैटर्न था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक मैंने ये भी मंगाया। आप भी चाहें तो आप भी उनसे शॉपिंग कर सकते हैं, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत अच्छे रेट हैं और सामान भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एंड उसके अलावा क्या कहते हैं, वैरायटी भी बहुत है उनके पास। तो अब मैंने जन्माष्टमी के लिए भी कुछ हैवी कलेक्शन मंगाया हुआ है तो वो पार्सल भी जैसे ही आएगा तो मैं वीडियो ज़रूर शूट करके आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ बांसुरी। एक मैंने ये वाली बांसुरी मंगाई थी, ये आपने हरियाली तीज के शॉपिंग मॉल में भी देखी होगी, मैंने उनसे ही मंगाई थी। इसके साथ साथ मैंने कुछ चोकर्स भी मंगाए थे, वो भी मैंने उस हरियाली तीज के शॉपिंग मॉल में ही दिखाया है क्योंकि मैंने तीज के लिए मंगाए थे। और मैंने 2-3 मांगटी के मंगाए थे, चंद्र का, बोरला वगैरह, वो सब मैंने पहना दिया एक्चुअली। तो फिर मेरे को बाद में याद आया कि मेरे को शॉपिंग हॉल वीडियो शूट करना था, तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब शूट कर लूँ। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक बांसुरी, ये आप देखिएगा, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक सेकंड आप रखिएगा, मैं पैकेट से निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने पैकेट से निकाल ली है बांसुरी, मैं आपको इसकी ब्यूटी हाथ पर रखकर दिखाता हूँ। ये बांसुरी मैंने पर्सनली उनके लिए जन्माष्टमी के लिए मंगाई है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी ये बांसुरी। ये देखिए पूरा स्टोन वर्क है, थोड़ी सी कॉस्टली भी थी ये बट पसंद थी तो पसंद थी। तो ये देखिए आप, पीकॉक पैटर्न और पूरा इस पर बांसुरी पे स्टोन पूरे, और अच्छी खासी लेंथ है इस बांसुरी की, ये आप देख सकते हैं अच्छी लेंथ है इसकी, अराउंड 1 फिंगर से भी ज़्यादा है, 1 हैंड स्पैन जितनी ही है ऑलमोस्ट। तो ये आप देख सकते हैं, और नीचे इसमें स्टोन की लटकन लगी हुई है बहुत प्रिटी सी। मुझे ये बांसुरी पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई, आई होप सो आपको भी अच्छी लग रही होगी। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मंगवाई है जन्माष्टमी के लिए बांसुरी। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कमरबंद। मैंने कमरबंद भी 2 मंगाए थे, एक मैंने दुर्गा जी को पहना दिया, वो आप देखिएगा उसमें जो मैंने उनका अब सावन का श्रृंगार अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, उसमें मैंने उनको पहनाया हुआ रेड और ग्रीन कलर का, बहुत सुंदर कमरबंद था। जो दूसरा कमरबंद है वो मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा कमरबंद ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर मल्टी कलर में, मुझे देखते ही पसंद आ गया था ये। और ये देखिए पूरा ये मुझे बहुत सुंदर लगा, पूरा ये इसमें क्या कहते हैं लेयर्स बनी हुई हैं प्रॉपर, एंड मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ये कमरबंद, बिल्कुल एकदम से क्या कहते हैं पहन के वो बहुत अच्छा लुक आएगा, बहुत ब्यूटीफुल लगा मेरे को। इस टाइप की चीज़ें मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती हैं बट ऑनलाइन मिल जाती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मंगा लूँ। तो ये कमरबंद तो मुझे बहुत सुंदर लगा। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट है ये छतर। एक मैंने मंगाया था छतर, ये देख सकते हैं आप, ये एंटिक पॉलिश पे है रेड, इसमें नीचे पर्ल्स लगे हुए हैं। तो इस टाइप से मैंने ये जन्माष्टमी के लिए मंगाया था, देखते हैं कब भी जब भी इनको लगवाना होगा ये। तो ये ऊपर से इस टाइप से चेन है और इसको हम हैंग कर सकते हैं, आई होप सब आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं इस पर डिज़ाइन बना हुआ है काफ़ी सुंदर सा, और ये ऊपर चेन है हुक के साथ, तो इस टाइप से हम इसे हैंग कर सकते हैं। वैसे अगर बड़े साइज़ के विग्रह हो माता रानी के किसी के तो एस कलीरा भी यूज़ किया जा सकता है वैसे ये, हाँ एस कलीरे भी यूज़ कर सकते हैं बट क्या कहते हैं मैंने ये छतर के उससे ही मंगाया है, तो मैं देखूँगा जब भी कभी मौका लगेगा तो ज़रूर लगाऊँगा इसको भी। तो ये छतर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पगड़ियाँ।
एक पगड़ी तो मैंने ये मंगाई थी ठाकुर जी के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, एक पगड़ी तो मैंने ये मंगाई थी, आप देख सकते हैं रेड येलो, रेड कह रहा हूँ, पिंक वाइट और येलो में, और ब्लू का टच दे रखा है इसने, और देखिए पर्ल की लटकन लगी हुई, मुझे बहुत सुंदर लगी पगड़ी, बहुत 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 ज़्यादा। और ये पगड़ी मैंने इस पिंक वाली ड्रेस के साथ पे पहनाई थी शायद कुछ दिन पहले, तो बहुत सुंदर लुक आया था। तो ये पगड़ी मैंने एक मंगाई थी, मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने मंगा ली। एक पगड़ी मैंने और मंगाई थी, वो मैंने अभी पहनाई नहीं है, वो आप देख सकते हैं साइड से पैकेट में भी काफ़ी हैवी पगड़ी है, मैं आपको पैकेट से निकाल कर दिखाता हूँ इसका लुक। तो ये मैंने पगड़ी पैकेट से निकाल ली गाइस, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पगड़ी है ये, आप देखिए यहाँ पे लटकन लगी हुई है, गोल्डन टैसल्स लगे हुए हैं सेम इस साइड पे भी, और देखिए पूरा पिकॉक पैचेस का वर्क, फ्लावर्स और इधर लीव्स, ये छोटी छोटी बहुत सुंदर लगी मुझे दोनों ही पगड़ियाँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगी, तो मैंने दोनों मंगाई थी, दो पगड़ी। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से, अब मैंने मंगाई थी राम दरबार जी के लिए और राधा कृष्ण जी के लिए दो ड्रेस, और राधा कृष्ण जी की मैंने एक जो इस टाइप की थी काओ पैटर्न पे ऑरेंज कलर की, वो तो मैंने पहना दी, वो आप शॉर्ट्स वीडियो में चेकआउट कीजिएगा। एक हैवी ड्रेस मंगाई थी और राम दरबार जी की ड्रेस मंगाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने राम दरबार जी के लिए ड्रेस मंगाई थी, क्योंकि राम दरबार जी के लिए ना नॉर्मली ड्रेस नहीं मिलती है, हमें राधा कृष्ण जी की जो ड्रेस होती है वो दो लेनी पड़ती हैं तब जाके उनके लिए ड्रेस हो पाती है। तो ये मैंने उनके लिए ड्रेस मंगाई, एक थोड़ा साउथ कांजीवरम पैटर्न पे है, गोल्डन जैसे साउथ में पहनते हैं लोग, तो उस टाइप के पैटर्न पे है, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ ये ड्रेस। तो मैंने ये ड्रेस खोल ली है, आप देख सकते हैं दो धोती हैं इस पर, राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, ये दो धोती है, ये मजेंटा कलर है, आई डोंट नो वाई इसमें रेड सा लग रहा है थोड़ा सा, बट ये मजेंटा कलर है, मजेंटा और गोल्डन, और ये बंधेज टाइप का ये क्लोथ है और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। और ये है सीता जी का लहंगा, ये आप देख सकते हैं सीता जी का लहंगा, और ये है हनुमान जी की धोती, आप देख सकते हैं कितनी क्यूट है ये धोती, ये हनुमान जी के लिए धोती है पटका, और पीछे आ रही है उनके लिए चोली, एक सेकेंड, जी हाँ अब आप देख सकते हैं ये कितना छोटू सा पटका है, ये चोली है और ये धोती है हनुमान जी की। तो ये हो गई हनुमान जी की ड्रेस, क्योंकि वो बहुत छोटू से हैं तो उनके लिए मैचिंग ड्रेस मिल नहीं पाती, तो उस टाइप से उन्होंने पेयर अप करके मुझे ये ड्रेस दी थी। तो ये हो गई दोनों की धोती, ये सीता जी का आ गया दुपट्टा, ये सीता जी का आ गया दुपट्टा, ये राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की तीनों की आ गई चोली, ब्लाउज कह लीजिए, चोली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो ये आ गई उनकी तीनों की ब्लाउज, और ये है राम जी का और लक्ष्मण जी का पटका, और ये सीता जी का दुपट्टा। तो ये मैंने राम दरबार जी के लिए ड्रेस मंगाई थी, बहुत सुंदर लगी मुझे, सिंपल सोबर कुछ इस टाइप से ही ढूंढ रहा था मैं उनके लिए। और ये हो गई राम दरबार जी की ड्रेस, तो आप देख सकते हैं फिलहाल इतना सामान मैंने आपको दिखा दिया है। अब एक राधा कृष्ण जी की हैवी सी ड्रेस रह गई है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ इस वीडियो के, और आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ज़रूर बताइएगा कि इतनी शॉपिंग कैसी लगी आपको, और ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट्स में वेट रहेगा सबके ओपिनियन का, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा सामान, जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और मैं आता हूँ विद अ न्यू वीडियो, और तब तक के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आइकन के पे भी टैप कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में न्यू शॉपिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा राधे राधे।